सीरियल अनुपमा की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे आने वाला है सबसे बड़ा सच, जहां पता चलेगा अनुज को कि आखिर एक्सीडेंट किसके वजह से हुआ था। यहाँ अनुपमा की जिंदगी में कोई भी ऐसा आता नहीं है जो कि हमेशा उसका साथ दे और अनुपमा का विश्वास करे। हर कोई अनुपमा को जज करने के लिए पहली आ जाता है, चाहे हम वनराज शाह की बात करें या फिर अनुज कपाड़िया की। कल जब अनुज कपाड़िया की कहानी में एंट्री हुई थी, उसका प्यार, उसका दर्द सब कुछ देखा था, तो ऐसा लगा था कि अनुज से परफेक्ट लाइफ पार्टनर कोई नहीं हो सकता है। कल ये गलत फहमी शो ऑडियंस की अनुज के इस फैसले से जरूर हो गई, क्योंकि अनुज ने खुद अनाथालय में वक्त काटा है, जिस वजह से उसे दर्द समझना चाहिए। तो उसने बच्ची अपनी अनु का तो समझा, लेकिन अनुपमा की साइड की सुनने की कोशिश भी नहीं की, मतलब कि अनुपमा को बोलने का मौका भी नहीं दिया, अनुपमा को जानने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन अब ये कोशिश भले ही ना की हो अनुज ने, लेकिन लीप के बाद, अनुपमा के अमेरिका जाने के बाद, ये कोशिश नाकामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि देविका अनुज को कॉल करके सच बताने वाली है। आपको बता दें कि अनुज को अब एहसास होने वाला है कि वो भी एक बेस्ट पार्टनर नहीं बन पाया, जैसा वो अनुपमा को कहता है वैसा ही अब उसे पता चलेगा। दरअसल सालों बाद देविका उसे कॉल करेगी और कहेगी कि तुम भी वैसे पार्टनर नहीं बन पाए जैसा कि मैंने सोचा था। अनुपमा अकेले ही सारी जिम्मेदारी लेने के लायक है, उसे किसी दूसरे इंसान की या किसी हमसफर की जरूरत नहीं है, और तुम जैसे हमसफर की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिसे अपनी बीवी का पक्ष सुनना जरूरी लगता ही नहीं है। और वो ये भी कहेगी कि तुम्हें क्या लगता है कि सालों पहले एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ था। वो एक्सीडेंट तुम्हारी अनु की वजह से हुआ था, उस बच्ची ने अपने चिड़चिड़ेपन में जो गलती की, उस गलती को तुम्हें समझाने की जगह उसका साथ दिया, और आज पल ये है कि तुम अपनी अनुपमा से दूर हो। ये जानकर रोता हुआ नजर आएगा अनुज कपाड़िया। कल ये डिजर्व भी करता है, आपको क्या लगता है? बाकी के अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।